हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी बी। सो बात करेंगे अदनान शेख, इफ़त और उनकी जो भाभी है यानी कि रिद्धि जादव और आयशा के बारे में। हाँ, सो मैंने इससे पहले जो पॉडकास्ट बनाई थी ना, उसमें मैंने, मुझे पता नहीं था, मैं कंफर्म नहीं थी कि भाई वो जो लड़की है वो रिद्धि ही है या तो सिर्फ अदनान की जो सिस्टर है उन्होंने ऐसे ही जो है बोल दिया। लेकिन मेरी बात हुई अदनान की सिस्टर के साथ, उन्होंने ये बोला कि वो 100% श्योर है। प्लस अब तो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी जो है वो उनके पेज पे ये स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि वो रिद्धि जादव ही थी। और फिर मैंने ना एक एयरलाइन का पेज चेक किया जहाँ पे वो इंडिगो में कैबिन क्रू की जॉब किया करती थी, कैबिन क्रू थी, लेकिन अब उसका प्रोफाइल जो है मिल नहीं रहा है। अगर कोई और लड़की होती जिसके फ़ोटोज़ को सर्कुलेट किया जा रहा होता तो वो सामने आकर बोलती थी कि भाई ये मैं हूँ, आप जो है मुझे मेरे फ़ोटोज़ को यूज़ करना बंद कर दो, मैं ये पर्सन नहीं हूँ जो एक्स वाई जेड आप मेंशन कर रहे हो कि मैं आयशा हूँ, मैं आयशा नहीं हूँ। प्लस वो जो रिद्धि जादव का अकाउंट था ना, वो अब डीएक्टिवेट हो चुका है। अब वो अकाउंट ना आपको इंस्टाग्राम पे दिखेगा ना ही एफबी पे दिखेगा, और जितने भी सारे अकाउंट हैं सारे के सारे उस लड़की के डिलीट किए जा चुके हैं, विच मीन्स वो आयशा जो है वही रिद्धि जादव है। और अगर आप सिमिलैरिटीज चेक करो ना, ये मैं फोटोज आपके साथ शेयर करूंगी, उन दोनों के कान देखिए, कान देखिए और आंखें देखिए, सेम टू सेम है, कलर भी सेम है, वो फेयर है, और ये जो लड़की है अदनान की वाइफ वो भी फेयर है, सेम टू सेम फीचर्स है, सेम टू सेम वो जो है हाइट वगैरह है। तो सवाल ही नहीं उठता कि भाई वो जो पर्सन है जिसकी फ़ोटो सर्कुलेट हो रही है वो रिद्धि जादव नहीं है। और इस पर कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया अदनान की तरफ से, उसने ये बोला एफआईआर से रिलेटेड कि जो एफआईआर हुई है ना वो झूठी झूठी एफआईआर फैलाई जा रही है, ऐसी कोई एफआईआर हुई नहीं है। अब हुआ ये कि जो इफ़त शेख है उसने एक इंटरव्यू दिया था गली न्यूज़ चैनल पर, जिस पर मैंने पॉडकास्ट भी बनाई थी, उसने ये बताया था कि अदनान उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट किया करता था, जब भी उसके अगेंस्ट कोई सवाल उठाता था तो वो उसको जो है मारता पीटता था और बदतमीजी से बात करता था, सिर्फ उसके साथ नहीं उसके पापा के साथ भी, और उसके उनके जो पापा है उनके साथ उसकी एक रिकॉर्डिंग भी है वो कि बहुत गंदी है, मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकती, जहाँ पर अदनान अपने पापा को गाली दे रहा है और ये बोल रहा है कि चुब्बे चुब्बे डैश, तूने तो आज तक कोई जिम्मेदारी निभाई ही नहीं, तू बचपन से भागता ही आ रहा है, तू पहले जो है एक अच्छा बाप भी नहीं बन पाया और अभी भी जो है तू भाग ही रहा है, भाग बे, मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना है। तो अपने पापा के साथ वो इतनी बदतमीजी से बात करता आ रहा है। और अदनान हाइपर एक्टिव है, जब भी कोई उस पर रोस्ट वीडियो बनाता था ना, जितना फैजू या बाकी उसके दोस्त थे वो रिएक्ट नहीं करते थे, उतना अदनान रिएक्ट करता था, गुस्से में आ जाता था। तो अदनान है गुस्सेल, एकदम गुस्सेल है भाई, गुस्सा हर किसी को आता है बट कंट्रोल रखना चाहिए। आप अपनी छोटी बहन पर हाथ उठा रहे हो, आपको शर्म नहीं आती, आप अपने आप को फिर बहुत बड़े मर्द कहते हो, मैं ये मैं वो, मैं तो हर किसी के लिए खड़ा रहता हूँ, धूल है आप पर अगर आप अपनी बहन पर हाथ उठाते हो तो। और हाँ, एक और बात कि एक जो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी मैंने कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला था, और मेरे साथ भी देखो मुझे कांटेक्ट किया था जहाँ पे बताया था कि वो लड़की डिवोर्सी है, तो डिवोर्सी होना कोई पाप नहीं होता है, अगर नहीं जमा दो लोगों में तो डिवोर्स ले लिया तो डिवोर्सी होना कोई पाप या गुनाह तो है नहीं। दूसरी और मेन बात कि वो जिससे उसकी शादी हुई थी वो लड़का मुस्लिम था, उसको कन्वर्ट करा के शादी नहीं की गई थी, है ना, वो लड़का मुस्लिम था और वो ये भी मुस्लिम थी, तो दोनों ने आपसी रजामंदी से शादी की थी। अब नहीं जमा तो डिवोर्स हो गया उसमें कोई, और वो लड़की लगभग होगी 24 साल की, इतनी बड़ी है भी नहीं, 23-24 साल की लड़की है, आज से 4 साल पहले मतलब 19 साल की जब थी तभी उसकी शादी करवा दी गई थी, तो इतनी बड़ी वो थी भी नहीं और ना ही उसको ज़्यादा समझ होगी उस टाइम पर। ठीक है, डिवोर्स हो गया, तो अब उसके भाई और उसकी जो टीम है वो जानबूझकर डिवोर्स पेपर लीक कर रहे हैं। अरे भाई क्या हो गया, अगर डिवोर्स ही है तो क्या, आपको राइट है कि आप अपनी बहन पे हाथ उठाओ अगर उसका डिवोर्स हो चुका है तो। मतलब आज भी एक लड़की को जो है अगर उसका डिवोर्स हो जाता है तो उसके मायके में बोझ की तरह देखा जाता है, इसी वजह से भाई ने बोला कि अब ये यहाँ पे नहीं आ गई, अगर इसकी शादी हो जाए ना तो अपने घर रहे, यहाँ पे आकर नहीं रहे। अब किसी भी बहन को ये सुनकर बुरा लगेगा, है ना, उसको यही बात का बुरा लगा था कि उसके भाई ने ऐसे कैसे कह दिया जबकि वही वो दोनों साथ में बड़े हुए। अभी रिलेशनशिप तो उसका रिद्धि के साथ था सिर्फ 6 महीने का, ये जो रिद्धि है वो कैबिन क्रू थी और उसका रिलेशनशिप 6 महीने का था, और वो दोनों पब में या ऐसे कुछ मिले थे जहाँ पर रिद्धि भी अपनी दोस्तों के साथ गई थी और दोनों में प्यार हो गया, बातचीत हुई, उसके बाद उसने ये जो है कंडीशन रखी जब उनकी बातचीत हुई कि तुम्हें तो मेरे धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा अगर हम दोनों को शादी करनी है तो।
तो ये मुझे समझ नहीं आता है कि ज़बरदस्ती ये कराया क्यों जाता है किसी को कन्वर्ट, कि तुम्हें मेरे धर्म में आना पड़ेगा। जब आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तभी भी तो आपको पता है ना, तो ये भी तो नहीं अलाउड होना चाहिए ना कि दूसरी धर्म की लड़कियों को डेट ही ना करो, ये भी तो नॉट अलाउड होना चाहिए। क्यों वो आप डेट करते हो फिर, अगर आपके धर्म में मना है तो क्यों डेट करना। अब सोचो, जिस बहन के साथ वो पिछले 23-24 साल से रह रहा था, उसने उस पर हाथ उठा दिया, रोड पे उसको मारा। सोचो, सगी बहन को कौन रोड पे मारता है, पुलिस स्टेशन के सामने उसके उस पर हाथ उठाए अपनी सगी बहन पे। वो लड़का 6 महीने के प्यार पे हाथ नहीं उठाएगा, उसका गुस्सा जो है वो कंट्रोल कर लेगा। आज उसकी बहन है, आज से लिख के ले लो, 1-1.5 साल बाद उसकी बीवी होगी जो कि कंप्लेन करेगी कि मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है। ये जो नया नया है, नया नया ये नया दिन 9 दिन रहता है सब, ठीक है 4 दिन की चांदनी होती है, लिख के ले लो, 1-1.5 साल बाद रिद्धि जादव भी आएगी पछताते पछताते कि 6 महीने में जो डिसीजन लिया था एकदम गलत था। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि ये लड़की तो रिद्धि जादव ही है 100%। आप देखिए ये वाला फोटो रिद्धि का, देखिए इसके कान देखिए, और जो रिसेप्शन का फोटो है अदनान की वाइफ का, ये देखिए सेम टू सेम उसके कान आंखें सब है। इसमें इसने लेंस पहने हैं और जो ब्राउज है ना उसको गोलाकार तरीके से वो डिफाइन किया गया है, वरना वो सेम टू सेम ही है। एक और मैं फोटो आपके साथ शेयर करती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा इसका फेस इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अभी एक और फोटो देखिए, ये देखो यहाँ पे ना वो मास्क नहीं लगाई हुई थी और उसको लगा कि कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, तो उसका ना ये नोज दिख रहा है और ऐसा चेहरा जो है ना मैच हो रहा है वो जो फोटो है रिद्धि जादव की उसके साथ, उसका मतलब वो 100% रिद्धि जादव ही है। इनफैक्ट मैंने जो है इफ़त से भी कंफर्मेशन लिया था कि आप 100% श्योर हो कि वो जो है आयशा ही रिद्धि है, तो उन्होंने बोला कि वो 100% श्योर है। इनफैक्ट वो बहुत बार मिली हुई है जो रिद्धि से ना, उसकी बातचीत होती थी और मिली हुई है, तो वो 100% श्योर है। उनका एक फ़ोटो भी है जहाँ रिद्धि के साथ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वहाँ पे मैं आयशा, क्योंकि वो हिजाब लेती है तो उसका फ़ोटो मैं ब्लर कर दूंगी, बट रिद्धि वहाँ पे क्लियरली दिख रही है। ये देखिए जो फोटो जिस लड़की की मैंने आपके साथ शेयर की है, वो बिना फिल्टर के ऐसी दिखती है, और वो जो बैकग्राउंड में है वो अदनान की सिस्टर इफ़त है। तो अगर वो लड़की नहीं होती तो इफ़त के साथ वो ऐसे फ़ोटोज़ क्यों खिंचवाती, है ना। कान भी सेम, वो जो अदनान की बीवी है उसके भी कान सेम, आंखें भी ये सेम, आईब्रोज भी सेम, तो वो जो है वो रिद्धि जादव ही हुआ जो कि आयशा बन गई है। अब देखिए किसी ने ना वो वीडियो शेयर किया था जहाँ पे रिद्धि जादव की सारी फोटो शेयर करी थी, जिसको अदनान मैसेज करके बोलता है कि अभी की अभी डिलीट कर, ओए डिलीट कर अभी। उसका मतलब ये है कि वो सेम पर्सन है, तभी तो उसको डर लग रहा है, इसीलिए तो बोल रहा है ना कि भाई हटा हटा। अच्छा हाँ, अब जो है वो डिफेंड करेंगे क्योंकि उसकी बीवी हिजाबी है। जी नहीं, जो हिजाबी होती है उसकी बहन है असली हिजाबी, जिसका जिसकी सिर्फ आपको आंखें दिखेगी और कुछ नहीं। उसकी बीवी के तो बाल भी दिख रहे थे, सब कुछ चल जाता था, खाली मुँह क्लियर ना नहीं दिखना चाहिए ताकि लोगों को कन्फर्म ना हो जाए। जो रिद्धि की दोस्त है उसने भी कन्फर्म किया कि रिद्धि खालसा कॉलेज में पढ़ा करती थी और अब जो है वो कन्वर्ट होकर आयशा बन चुकी है। तो ये जो पर्दा, ये जो नकाब है वो रिलीजियस बिलीफ के चलते नहीं किया गया है, ये इसीलिए किया गया है ताकि कंट्रोवर्सी ना हो लव जिहाद की। कल को अगर कुछ भी होता है तो बड़ी कंट्रोवर्सी ना हो, इसीलिए मास्क पहनाया गया शादी में और बोला गया कि भाई तुम जो हो घर पे रहोगी और हिजाब पहनोगी। सोचो, एक पढ़ी लिखी एयर होस्टेस जो कि दिखने में भी खूबसूरत है, उसके पति को डिलीट की स्पेलिंग भी नहीं लिखने आती है, डिल्ट कर डिल्ट कर डिल्ट कर, ये क्या है। जो भी चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ों का मेरे पास प्रूफ है, बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैंने ये सारी चीज़ें जो बोली है अगर ये झूठ होती तो हमारी पुलिस तो इतनी बेवकूफ़ है नहीं कि वो झूठी बातों पे FIR ले लेते। अगर ऐसा होता तो आज के टाइम पे हर किसी के ऊपर FIR बनती हुई। मेरा बस सभी लोगों से ये बोलना है कि प्लीज़ अपनी आँख और कान खोलो, देखो, चीज़ों को जानो, उसके बाद किसी पे फॉल्स एलिगेशन और झूठे चीज़ें लगाओ। जिसकी गलती है भले वो मैं हूँ या कोई भी हो, उसको वही सज़ा मिलना चाहिए जो मिलती है। दूसरी चीज़, हर लड़की, हर औरत, हर वो इंसान के साथ मेरा मेरा भरोसा है उन हर लड़कियों के साथ में कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है प्लीज़ उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाओ। आप आवाज़ नहीं उठाते हो इस वजह से लोगों में उतनी हिम्मत आती है कि वो दोबारा वो चीज़ करें आपके साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। इफ़त का कहना था कि उसकी सहानुभूति है हर एक उस लड़की के साथ जिसके साथ मारपीट होती है अपने ही भाई के द्वारा, उसकी पढ़ाई लिखाई पे रोक टोक की जाती है,
क्योंकि उसको लगता है कि भाई ये लड़कियां जो है वो घर का काम करने के लिए है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसकी खुद की बीवी है रिद्धि जाधव, जो कि पढ़ी लिखी कैबिन क्रू थी, ठीक है, उसको घर पे बिठाया गया क्योंकि लड़कियों का यही काम है, अब घर पे बच्चे पैदा करो, घर संभालो, यही तुम्हारा काम है लड़कियों का। अदनान जैसे लोगों की यही मानसिकता होती। सोचो उसका 6 साल का एक रिलेशनशिप था, वहाँ पे ब्रेकअप हो जाता, 6 महीने पहले रिद्धि और अदनान जो है वो कांटेक्ट में आते हैं, फिर वो दोनों लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। 1 साल तक रिद्धि के साइड से आपको कोई भी नहीं दिखा होगा शादी में, ना रिद्धि के पेरेंट्स ना कोई भी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग खुश नहीं है कि उसकी बेटी जो है कन्वर्ट होकर शादी कर रही है। अदनान ने तो बोल दिया मैंने सासू माँ से वो पूछा था ये वगैरह वगैरह, लेकिन ये उसकी बनाई घड़ाई जो है स्टोरी है, और वो लोग कभी सामने से आएंगे नहीं क्योंकि उनकी ही बदनामी होगी अगर आएंगे तो, कि भाई आप जो है आपने कैसे संस्कार दिए जो आपकी बेटी कन्वर्ट हो गई। तो बेचारे वो शायद से इसी डर से सामने आ नहीं रहे हैं। अब जो मारपीट की बात है ना, अदनान ने एक बार इफ़त को इतना मारा था जब वो मैच खेलने गई थी, उसने फोटोज़ भी शेयर किए कि जब वो आती है तो वो पूछता है कहाँ गई थी, क्यों इतनी लेट हो गई, तो बोलती मैच था आज मेरा तो इस वजह से लेट हो गई। तो बोलता है कि किसको पुश कर गई थी, तो वो कहती है कि अरे अगर मैं पूछती तो तुम मुझे जाने नहीं देते। तो फिर उसको वो थप्पड़ मारता है, और इतना मारता है उसको, इतना मारता है कि उसके हर बॉडी पार्ट पे निशान आ जाते हैं। फिर वो कंप्लेन उसके खिलाफ करती है, और जो लोखंड वाले में शायद वो लोग रहते थे वहाँ से उन लोगों को निकाल दिया गया क्योंकि मारपीट होती थी हर रोज़, और वो रोती थी, उसकी बहन जो है जोर जोर से चिल्लाती थी, इतना मारता था वो। तो उन लोगों को निकाल दिया सिर्फ 3 महीने में ही, क्योंकि भाई यहाँ नहीं आप रह सकते हो, सोसाइटी वालों ने कंप्लेन करी है कि आपके घर हर दिन झगड़ा होता है। तो सोचो इतना ज़्यादा कोई भाई अगर अपनी बहन को मार सकता है, तो वो 6 महीने पहले जिसके साथ रिलेशनशिप में आया है उसका क्या ही हाल करेगा वो। अब वो शायद फिर मजबूर हो जाएगी कि एक तो नौकरी भी चली गई, दूसरा घर वालों के साथ भी मैंने जो है रिश्ता ख़राब कर लिया, तो अब मैं क्या मुँह लेके जाऊँ। यही तो होती है ना लड़कियों के साथ दिक्कत, कि भाई वो ताव ताव में शादी तो कर लेती है, फिर जो है फुल टू फाइनेंशियली डिपेंड हो जाती है अपने हस्बैंड पे, लेकिन एक भी रास्ता नहीं छोड़ती है कि वो वापस जा पाए। बहुत कम लड़कियां होती है जिस जो कि हिम्मत दिखाती है, जो सामने आती है, ये बोलती है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, मेरी शादी में जो है ज़बरदस्ती मुझे ये करा गया और फिर मेरे साथ मारपीट की जाती है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो वही हो जाता है कि लाचार है, अब एक भी रास्ता बचा नहीं तो जाए कहाँ। मुझे तो यही फ्यूचर दिख रहा है, क्योंकि जिस बहन के साथ वो बचपन से लेकर बड़ा हुआ वो उसके साथ इतना बुरा कर सकता है, तो 6 महीने पहले मिली लड़की का तो क्या ही उसके अंदर वो फीलिंग होगी। और इफ़त ने ये भी बताया था कि जब इफ़त ने पूछा कि अदनान तुम जो हो इस लड़की में ऐसा तुमने क्या देख लिया है जो 6 महीने में ही उसके साथ शादी करना चाहते हो, और उसने ऐसा तुम्हारे अंदर क्या देख लिया है जो अपना धर्म छोड़कर अपना मजहब छोड़कर वो जो है रिवर्ट होना चाहती है। तो अदनान का कहना था कि रेंज रोवर है, लोखंड वाला में घर है, पैसे है, कोई भी लड़की क्यों नहीं शादी करेगी, ये एग्जैक्टली रिप्लाई था। और उसने अपनी जॉब तक छोड़ दी, सोचिए। तो उसका एग्जैक्टली रिप्लाई था कि भाई वो सुंदर है और अदनान जो है पैसे वाला है, तो इस तरीके के इन दोनों की शादी हो गई। दुनिया को ये बोलकर बेवकूफ़ बनाया गया कि भाई मैं तो पर्दादार बीवी चाहता हूँ, इसलिए इसका फेस नहीं रिवील कर रहा हूँ। समझ सकते हैं कि भाई उसको जो है ट्रोल किया जाएगा, है उसको ट्रोल किया जाएगा। मेन जो चीज़ थी वो थी आइडेंटिटी, कि जो रिद्धि को जानती है उनकी सहेली या तो उनके रिश्तेदार, वो सामने आकर बोलते हैं कि भाई ये तो हमारी रिद्धि है, ये कन्वर्ट होकर आयशा बनी है। फिर बहुत ज़्यादा जो है वो हल्ला होता था और बहुत ज़्यादा बातें बढ़ जाती थी, जिस वजह से ये मास्क पहनाया गया था पूरी शादी में, ना कि पर्दा वगैरह। पर्दा वगैरह होते तो जो हिजाबी औरतें होती हैं उनके तो बाल तक नहीं दिखते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ नाक ही छुपाई गई थी, नाक और होठ बस, बाकी सब कुछ दिख रहा था। तो ऐसा नहीं होता है। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी इंसान अगर आप से शादी करना चाहते हैं और ये बोले कि भाई तुम मेरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि अगर कोई आपसे प्यार करता ना, तो आप जैसे हो उसी कंडीशन में आपको एक्सेप्ट करता था, ना कि कन्वर्ट होने के लिए बोलता था। अब ये सब पे लागू पड़ता है, हिंदू मुसलमान सब पे, मुस्लिम लड़कियों पे भी लागू पड़ता है, हिंदू लड़कियों पे भी लागू पड़ता है, कि किसी के भी लिए अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जिस धर्म ने आपको नाम दिया है, पहचान दी है, जिस नाम जिस धर्म से आपके सारे के सारे रिश्तेदार आपके पूर्वज जाने जाते हैं, उस धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और अपने काम को जिसको पाने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी के 21-22 साल दिए हैं, वो सिर्फ 6-8 महीने के प्यार के लिए छोड़ देना बिल्कुल भी सही नहीं।
और रही बात इफ़त की, तो इफ़त को ये बोला जाता है कि वो जलन खोर है, उसने शादी से पहले क्यों नहीं बोला। अरे भाई वो खुद भी तो इंटरव्यू दे रहा है जहाँ पे अपनी जो है कहानी बता रहा है कि मेरे साथ ये साथ, मैं तो सबको देख साथ में लेकर चलता हूँ। तो किसी को भी बुरा लगेगा कि भाई तुम सबको साथ में लेकर नहीं चल रहे हो, तुमने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, तुम ये जो ठीक है तुम गरीबी में थे, तुमने बहुत हार्डवर्क किया है, लेकिन उसी दौरान तुमने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी किया है। तो यही तर्क है सीधा। और वो अपने माँ बाप से मिलने गई थी हॉस्पिटल, वहाँ पे भी उसके साथ मारपीट होती है, जबकि वो अब तो शादीशुदा है, उसके ससुर को भी मारा पीटा जाता है। तो किस कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं करेगी, है ना? तो बस सतर्क रहो, सावधान रहो। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।